एचआर में आई है, फिर एम्प्लॉय मैन्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसमें हम प्रमोशन पेमेंट कर चुके हैं, अब हम सेपरेशन पे आ जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम जो है लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, किस लोकेशन के एम्प्लॉय को हमें सेपरेट करना है कंपनी से, तो लोकेशन को सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली हमारे पास सारे उस लोकेशन के एम्प्लॉयज आ जाएंगे। अब जो सेपरेट करना है कंपनी से, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया, फिर टाइप सेलेक्ट की, फिर उसे नोटिफाई किया था सेपरेशन सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन डेट का था तो लास्ट वर्किंग डे आया था, तो इसलिए ये दोनों वीडियो करने अलग अलग रीज़न अगर भी है तो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि उसने रीज़न क्या दिया था, उसकी सैलरी अच्छी नहीं हुई थी, जो भी रीजन्स हैं वो यहाँ पर हम अच्छे कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उनको ये रीज़न दे दिया, मैंने अपॉर्चुनिटी ये टाइप करने के बाद देखते हैं बैकएंड में, एचआर के फोल्डर के अंदर फोल्डर है उसके अंदर सेपरेशन का, सबसे पहले पेज लोग पे कर डेटा करेंगे, हमारे पास लोकेशन बाइंड हो रही है, जब बाइंड एम्प्लॉई पर हमारे एम्प्लॉय से बाइंड कर रहा हूँ, जब लोकेशन सेलेक्ट होगी तो हमारे पास जो है एम्प्लॉयज बाइंड हो जाएंगे, अगर हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो कंट्रोल विजिबल हुए थे वो बेसिकली हमने पैनल के अंदर रखे थे, वही पैनल के ऊपर ही उसे पास कर देंगे उसकी विजिबिलिटी। सबमिट पे आ जाते हैं, सबमिट में सबसे पहले ऐड सेपरेशन कॉल करेंगे, जो कि हमारी हिस्ट्री में टेन कर रहा होगा कि सेपरेट हो गया डेट, और अगर सक्सेसफुली डन हुआ तो अपना जो बाकी टेबल में जाके अपडेट एंड सेपरेशन कॉल करेंगे, जो कि बाकी टेबल में अपडेट कर देगा, ये सक्सेसफुली ऐड हो जाता है, फिर हम कॉल करेंगे अपडेट इज क्लोज्ड, ये हमारे के स्टेटस को क्लोज कर देंगे। उसके बाद ऐड डैशबोर्ड कॉल करेंगे, जो कि हमारे पास जनरल के अंदर है, ये फीड की एंट्री करेंगे, किस एम्प्लॉय ने किस यूज़र ने एंट्री की थी, किस सेपरेट किया था किस एम्प्लॉय को,